व्यवस्था करेंगे, अलग से व्यवस्था करेंगे, कुछ देने की व्यवस्था करेंगे, तभी इनका हम कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा इनका कल्याण नहीं कर सकते हैं। जो हमसे पिछड़ गए हैं, मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए हमें कुछ नई व्यवस्था करनी पड़ेगी और उन्होंने इस देश में पहली बार आरक्षण की व्यवस्था करी। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मैं कानपुर की ऐतिहासिक सरजमी को नमन करता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर उपस्थित हम सभी के मन मंदिर के देवता और छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमेश कुमार सर को नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी मूल निवासी संघ के पदाधिकारी हैं और दूर दराज से चल के आए सभी मूल निवासी भाई हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का दिन जो है ऐतिहासिक दिन था। आज के ही 26 जून को भारत के सबके जिनको आर्य शब्द से संबोधित किया या इन लोगों ने खुद अपने आप को आर्य कहा। आर्य और अनार्य का जो कार्यकाल बुद्ध के पहले और सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करने के बाद का जो बीच का कार्यकाल है, आर्य और अनार्य के बीच का झगड़ा, और वो झगड़ा है आर्यों की संस्कृति, हम उसको सभ्यता नहीं कहते, संस्कृत की स्थापना करना उनका मूल रूप था और सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करने का। बाबा ये गौतम बुद्ध ने जो कहना नहीं चाहिए, यदि आर्यों की आइडियोलॉजी में जन्मे पले और बड़े, लेकिन एक वैज्ञानिक सोच कब विकसित हो जाए, व्यक्ति की किस उम्र में हो जाए, इसका कोई प्रमाण नहीं रहता। गौतम बुद्ध जब ये इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वैज्ञानिक व्यवस्था में जब इन्होंने बात की, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।